दिल्ली के शाहीन बाग से संसद की दूरी करीब 14 किलोमीटर है। दिल्ली के शाहीन बाग से प्रधानमंत्री का घर 7 लोक कल्याण मार्ग 14.5 किलोमीटर है। माफ कीजिए, प्रधानमंत्री का घर नहीं, टैक्स पेयर के खर्चे पर चलने वाला वो घर जहां सन 85 से भारत के अलग अलग प्रधानमंत्री रहते आए हैं। लेकिन शायद सियासी शोर या पोल्यूशन के कारण शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून CAA के खिलाफ बीती 15 दिसंबर से धरने पर बैठी महिलाओं की आवाज सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पाई, या यूं कहें कि इसका आवाज का इतनी जोर से धमाका हुआ है कि पूरे देश में सैकड़ों शाहीन बाग खड़े हो गए हैं, लेकिन शाहीन बाग से लटेन जोन तक ये आवाज नहीं पहुंची है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वार्ताकार इंटरलोक्यूटर वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर रहे वजाहत हबीबुल्ला शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे। करीब 2 घंटे तक बातचीत चली। इस चली हुई बातचीत का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहेगा। वजाहत हबीबुल्ला ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम आपकी बात सुनने आए हैं और चाहते हैं कि संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा हो। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम संविधान बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि पुलिस ने शाहीन बाग का 3 तरफ से रास्ता बंद किया हुआ है, लेकिन हमारी वजह से सिर्फ एक तरफ का 150 मीटर का रास्ता रुका हुआ है, लेकिन यह रास्ता भी एम्बुलेंस और स्कूल बसों के लिए खुला है। बाकी चैनल आपको ये बात नहीं बताएंगे और जो दूसरे जरिए वहां तक भी ये बात नहीं बताई जाएगी, लेकिन यह हकीकत है कि 150 मीटर का रास्ता शाहीन बाग में जो प्रदर्शनकारी बैठे उनकी वजह से बंद है, लेकिन एम्बुलेंस और स्कूल बसेस के लिए ये भी खुला हुआ है। आंदोलन करने का जो आपके ये हक है, ये बरकरार है, और जो ये लॉ है CAA, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। हमारी इस जमीन पे, इस रोकने पे हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम कहीं और जाके तो हमारी तो वहाँ बिल्कुल ही सुनवाई नहीं होगी। फैसला हो जाए, यहाँ से उठ के अपने घर जाएंगे, तो हम शौक नहीं रोड में बैठने का, और कहीं और हम बैठेंगे नहीं। जो हक की बात कहेंगे तो मानेंगे, हक की बात नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। अपने हक के लिए बैठे हैं 2 महीने से, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, अब देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल नहीं होगा, जब CAA NSA आपस ले लेंगे, अमृतसर मोदी लिख के दे देंगे जब हम उठेंगे। ये जो कानून लागू है आप हटा लो, आप हटा लो, हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। हमें ये रोड करना क्या है, हमारे ही बच्चे परेशान होते हैं, रोड बंद कर रखा हुआ हमने नहीं, पुलिस वालों ने बंद किया। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुरूर मंदर। सुरूर, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे इनका कहना है कि अगर एक तरफ का रास्ता जो 150 मीटर का है, जिसके बारे में लोगों को मालूम नहीं है, अगर वो आंशिक रूप से पार्शली खुला हुआ है एम्बुलेंस के लिए, स्कूल बसेस के लिए, और 3 तरफ के रास्ते यूपी पुलिस ने बंद कर रखे हैं या पुलिस ने बंद कर रखे हैं, तो रास्ता रोकने का आरोप जो है वो कितना गंभीर है? देखिए, आरोप गंभीर है कि रास्ता तो रुका गया है, पर आरोप किस पे लगाया जाए वो सवाल ज्यादा जरूरी है। और सवाल का जवाब आपने आधा दे ही दिया है कि पुलिस ने रास्ता ज्यादा रोका हुआ है। मैं शाहीन बाग करीब 8 बारी जा चुकी हूँ पिछले 2 महीने में, और ज्यादा जाना चाहिए था, वो गलती है मेरी। पर एक्चुअली में प्रोटेस्ट सिर्फ वो 150 मीटर में हो रहा है, और हर जगह पुलिस नाकाबंदी करके रोक देती है, जाने नहीं देती, और ये क्रिएट इसलिए किया गया है ताकि लोगों को असुविधा हो और वो असुविधा के कारण इस प्रोटेस्ट के खिलाफ हो जाएं। क्योंकि अंत में सब कहते हैं हमारा आधा घंटा और जा गया, हम नोएडा से आने में दिक्कत होती है, अब हमें जल्दी निकलना पड़ता है, और इसकी नाराजगी फिर अलग अलग तरीकों से आएगी बाहर, ये उनकी अपेक्षा थी, वो हार चुके हैं। तो अब अगर वो इसको खोल देंगे तो फिर प्रोटेस्ट का कोई रीजन ही नहीं बचेगा, मतलब गुस्से का कोई रीजन नहीं बचेगा कम्युनिटी का। तो इसलिए आई थिंक
अब वो एक दुविधा में है कि करें तो करें क्या। बहरहाल इतना तय है कि ये भी कहा गया, माना गया कि रास्ता जो पुलिस ने बंद किए वैकल्पिक जो रूट्स थे, अल्टरनेट रूट्स, उसकी वजह दिल्ली चुनाव भी थे कि उसका इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं और अगर 150 मीटर की बात है और वो भी आंशिक रूप से पार्शली खुला हुआ है तो अपने आप में कितना बड़ा मुद्दा है ये सोचने की बात है। दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि सरकार आखिर बात क्यों नहीं कर रही है। अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने अपने इंटरलोक्यूटर भेजे थे, उसमें विलासराव देशमुख थे स्वर्गीय, उसमें भैयू जी महाराज भी थे, उसके अलावा इनको पार्लियामेंट में भी बुलाया गया था सेलेक्ट कमेटी के सामने कि आप अपना ड्राफ्ट लेकर आइए। सरकारें जनता के लिए होती हैं, जनता सरकार के लिए नहीं होती। हम बने रहेंगे जनता, सरकारें आएंगी जाएंगी और पूरे देश में संदेश जा रहा है। आज चेन्नई में भी नागरिकता कानून के विरोध में बहुत बड़ी रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि राज्य विधानसभा इस कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पास करे। मद्रास हाईकोर्ट ने इस रैली के लिए इजाजत देने पर इंटरिम रोक लगा दी थी। बावजूद इसके हजारों की संख्या में लोग रैली में शामिल हुए। हम आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग के अलावा देश में सैकड़ों जगहों पर अलग अलग शहरों में लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के खिलाफ धरना दे रहे हैं। मुंबई पुणे में कई जगहों पर धरना चल रहा है। यूपी में लखनऊ प्रयागराज जिसे इलाहाबाद कहते हैं लोग, कानपुर में लोग CA के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में धरना जारी है। बिहार में पटना गया बेगूसराय नवादा में भी लोग CA NRC के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल इंदौर और औरंगाबाद में लोग शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठा रहे हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार लोगों की बात सुनने को राजी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि CAA पर सरकार अपने फैसले पर अडिग है। मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है सरूर, एक तरफ अमित शाह क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, फिर NPR, फिर NRC लाएंगे और यह पूरे देश में लागू होगा। दूसरी तरफ आप देख रही हैं कि पूरे देश में सैकड़ों की तादाद में शाहीन बाग बन चुके हैं। हमने एक गिनती करी थी, 100 से ज्यादा शहरों में धरना प्रदर्शन जारी हैं जो शांतिपूर्वक हैं। ये इसका अंजाम आप क्या देखती हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ या सद्बुद्धि आएगी और बातचीत होगी? देखिए जिस तरीके से सरकार बात कर रही है सर, कल मोदी जी ने भी कहा था कि हम एक इंच भी नहीं हटेंगे और अमित शाह जी ने भी यही कहा है, तो ये चिंताजनक बात है कि जब दिल्ली में ही किसी भी समय पे 21 जगह में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग हर रोज सड़क पे बैठे हुए हैं, कम से कम मैं कह रही हूँ, तो उस लिहाज से और हर जगह लाखों की तादाद में आज़ाद मैदान में 2 लाख लोगों की प्रदर्शन थी, कहीं चेन्नई में 25-30 हज़ार लोग, हर जगह जब भी ये सैलाब है और इस सैलाब में अगर सरकार, इस सैलाब को रोकने के 2 तरीके हैं, या वो ओप्रेस करे जैसे उन्होंने यूपी में किया, या फिर वो आमने सामने बात करे जैसे अन्ना के मूवमेंट के टाइम में पिछली सरकार ने किया, पर उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और वो इम्पास की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। मेरा डर ये है कि पहले वो क्रूरता करेंगे और जब क्रूरता करेंगे बिल्कुल दमन। करेंगे, हाँ बिल्कुल, मारपीट होगी, फोर्सफुली उठाया जाएगा और उससे फिर लोगों में और आक्रोश पैदा होगा और सड़क पे लोग आएंगे और फिर एक सिविल वॉर टाइप का सिचुएशन की तरफ वो खींचना चाह रहे हैं। वो ये नहीं चाह रहे हैं कि हम लोग मतलब सरकार कुछ इसमें करे, वो चाहते हैं कि जैसे राम भक्त वगैरह जैसे लोग सड़क पे आए और हम एक दूसरे को मारने की कगार पे पहुंचे ताकि उनको हमारे लिए उनको वो काम नहीं करना पड़े। पर देश डर यही है कि इतने इनोसेंट लोगों की जिंदगियों का सवाल है और अपने खुद के नागरिकों के साथ हम क्या ये करना चाहेंगे जी। ये निर्भर करता है नेताओं पर कि क्या वो सिर्फ सरकार और जनता आमने सामने कन्फ्रंटेशनिस्ट इस तरह का रुख अख्तियार करते हैं या राजपुरुष बनकर, स्टेट्समैन बनकर जनता से बात करते हैं, डायलॉग करते हैं। अब हम आपको नागरिकता को लेकर देश की 2 अलग अलग अदालतों के अलग अलग फैसलों के बारे में बताते हैं।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कहा कि वोटर आईडी, पैन कार्ड या जमीन के कागज नागरिकता के सिटीजनशिप के सबूत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि फोटो लगा वोटर आईडी कार्ड किसी व्यक्ति की नागरिकता का आखिरी सबूत नहीं हो सकता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जमीन की जो रेवेन्यू रसीद होती है, पैन कार्ड होता है, बैंक दस्तावेजों का इस्तेमाल नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं ऐसे ही एक मामले में मुंबई की एक अदालत ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी भी नागरिकता साबित करने का सबूत माना जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट वगैरह को भी बुनियादी सबूत के तौर पर माना जा सकता है। यानी दोनों फैसले अलग अलग हैं, विषय एक ही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि अगर इन दोनों अदालतों की बात मान ली जाए जो एक ही विषय पर है लेकिन फैसले अलग अलग हैं, तो क्या हर राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी को लेकर अलग अलग कानून बनेगा? क्या ऐसा मुमकिन है? सर देखिए, दो अलग चीजें हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी वगैरह तो नेशनल कानून के तहत है, तो उसका प्रोसेस सेम रहेगा। पर जैसे हमने असम में देखा है कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जहां जहां पे नियुक्त हुए हैं उनको डेलीगेटेड पावर है कि वो अपना प्रोसेस खुद डिसाइड करें, तो उसके कारण कहीं कहीं जगह में, असम में भी देखा है कि एक जगह पे एक डॉक्यूमेंट अलाउड है, दूसरी जगह पे दूसरी डॉक्यूमेंट, पर अब वो हाईकोर्ट आके एक स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। पर अगर ये हो गया देश में तो फिर बहुत हलचल मचेगी, एंड इट्स कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल कि ये दो जगह के कानून हैं। और ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है, क्योंकि सीएए के चैलेंजेस, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के खुद के चैलेंजेस सुप्रीम कोर्ट में पिछले 10 साल से पेंडिंग हैं, और आपने उसे ठंडे बस्ते में भेज दिया है। और आप फिर ये रेट्रोस्पेक्टिवली कहेंगे कि हाँ, पर जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद होंगी, जो लोग पैसे खर्च करेंगे दस्तावेज बनाने के लिए, बम्बई वाले अब ये सारे 15 दस्तावेज बनाएंगे और किसी और स्टेट में वो दस्तावेज का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यानी आप ये कह रही हैं कि इंटरवेंशन चाहिए, दखल चाहिए, दखल अंदाजी नहीं, दखल चाहिए सुप्रीम कोर्ट का इसमें, जिसमें मामला पेंडिंग है, बिल्कुल क्लैरिटी के लिए। और मैं एक और चीज बस ये शाहीन बाग के मामले में जोड़ना चाह रही थी कि अगेन सुप्रीम कोर्ट का रुख आप समझें तो ये डेंजरस भी है कि उन्होंने इंटरलोकेटर कौन भेजा, संजय हेगडे साहब और सुधा जी, जब वहां पे एसजी खुद खड़े थे उनके सामने, सरकार की किसी मुलाजिम को भेजें जो एक्चुअली में कोई निगोशिएटिंग पावर के साथ जाए, कौन वहां पे खड़े होके, संजय जी वेल मीनिंग भी होंगे, मैं भी आप भी जा सकते थे, तो हम कह देंगे आप मूव कर लीजिए, हमारे बोलने से क्या फर्क पड़ता है? जी, हमारी जो सलाह होगी वो सिर्फ एडवाइजरी होगी, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव पावर पीछे नहीं होगी। वो सॉलिसिटर जनरल अगर जाते तो कर सकते थे, वो कर सकते थे बहुत वो बिल्कुल। और वो आखिरी चीज के इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ये निर्णय लेना पड़ेगा कि वो देश के कहां साथ हैं कि नहीं, क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली करते रहे 25 साल बाद हमें क्या फर्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, जरूर अपना समय हमें देने के लिए।